Hello everyone and welcome to my channel. Today in this video I'm going to analyze the previous year question of the course BEGC 103, which is Indian Writing in English. आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करेंगे. वी विल लुक एट कि जो पैटर्न है वो कैसा है एग्जाम का एंड क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है. सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन पेपर यू विल सी कि देयर आर थ्री सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. ठीक है, और हर एक सेक्शन में आपको बता दिया जाएगा कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने. तो इन सेक्शन ए बेसिकली इट इज रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. ये क्या होता है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, विच मींस कि पोएम से कुछ लाइंस उठा लिए जाएंगे एंड उसको आपको एनालाइज करना है, उसका मतलब को बताना है. एट द सेम टाइम आपको लिखना भी है कि वो पोएम कौन से वो लाइंस कौन से पोएम से लिए गए हैं, उसके पोएट का नाम क्या है. एंड बेसिकली यू विल हैव टू राइट क्रिटिकल कॉमेंट ऑन दोज लाइन्स. ठीक है, तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऐसे आंसर करना है. एंड कुछ पांच छह रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट दिए रहेंगे एंड उसमें से कोई चार आपको चूज करना है. सो वन बाय वन वी विल लुक एट ईच क्वेश्चंस एंड साइड बाय साइड वी विल ऑल्सो हैव अ डिस्कशन अबाउट दोज क्वेश्चंस. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओ बर्ड ऑफ टाइम से वेयर डू यू लर्न द चेंजिंग मेजर्स यू सिंग in blowing forests and breaking tides in the happy laughter of new brides. So I hope you all got it. ye jo line hai, these lines have been taken from the poem The Bird of Time by Sarojini Naidu. ye poem ko kaun likha tha, Sarojini Naidu ne likha tha and ye lines The Bird of Time se liya gaya hai. theek hai, एंड इसमें जो लाइन्स यू नो लिखा गया है कि ओ बर्ड ऑफ टाइम से वेयर डू यू लर्न द चेंजिंग मेजर्स यू सिंग. तो इस पोएम में क्या होता है कि सरोजिनी नायडू अपने आप को फिगरेटिवली बर्ड ऑफ टाइम पुकारती है एंड उनसे जितने भी क्वेश्चंस यू नो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का ये आंसर करती है. तो उनसे पूछा जा रहा है कि वेयर डू यू लर्न द चेंजिंग मेजर्स यू सिंग, विच मीन्स कि सरोजिनी नायडू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स को एम्प्लॉय करती है अपने पोइट्री में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखती है. तो उन्हीं से पूछा जा रहा है कि आप ऐसे कैसे करती हो, वेयर डू यू लर्न. सो शी आंसर्स, इन ब्लोइंग फॉरेस्ट्स एंड ब्रेकिंग टाइड्स इन द हैप्पी लाफ्टर ऑफ न्यू ब्राइड्स. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर. पहले आपको लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम दिस एंड दिस इज रिटन बाय दैट पोएट, ऐसा करके लिखना है. फिर जो लाइन्स का जो एक्चुअल मतलब है, जो कॉन्टेक्स्ट आपको, वो फिर लिखना है. सो इफ यू डू नॉट नो कि उस लाइन्स का मतलब क्या है तो आप ओवरऑल समरी को लिख सकते हो. एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड माय वीडियो वेरिन आई हैव टॉक्ड अबाउट ईच एंड एवरी पोएम इन दैट कोर्स, देन प्लीज चेक दैट आउट. आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ कैंडल्स एंड लालटेन्स throwing giant scorpion's shadows on the sun-baked walls, they searched for him. अब ये जो lines है, these lines have been taken from the poem The Night of the Scorpion and इस poem को किसने लिखा था, Nizam Ezekiel ने लिखा था. I hope you all are familiar with the poem The Night of the Scorpion and इस poem में क्या होता है कि जो poet की जो mother है, she has been stung by a scorpion, उनको एक scorpion काट लेता है and जो setting है इस poem की, वो रात का समय है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है and जैसे ही उसकी mother को वो बिच्छू काटता है, then सभी you know farmers, सभी neighbors आ जाते हैं किसके पास, उनकी मदर के पास आ जाते हैं, उनके घर में आ जाते हैं एंड ढूंढने लगते हैं उस स्कॉर्पियन को. तो वही सिनेरियो दिखाया गया कि विद कैंडल्स एंड लालटेंस, यानी कि लोग आ रहे हैं, तो रात का समय था तो हर कोई कैंडल्स और लालटेंस लेके आ रहे थे. थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज, ठीक है, अब जैसे ही वो लोग आ रहे थे तो अंधेरा में जो परछाई है वो बहुत बड़ी बड़ी परछाई बन रही थी एंड दे एग्जैक्टली लुक लाइक द स्कॉर्पियन शैडो. ठीक है, ऑन द सन बेक्ड वॉल्स, पहले तो सीमेंटेड वॉल्स नहीं होती थी, मिट्टी की दीवारें होती थी. ठीक है, एंड दिस सर्च्ड फॉर हिम, अब यहाँ पे जो हिम है वो किसके लिए यूज हुआ है, उस स्कॉर्पियन के लिए यूज हुआ है. सो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड इट वॉज रिटन बाय निज़म एज़िकल. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. एंड afterwards we climbed a tree, she said, not very tall but full of leaves like those of a fig tree and we were very innocent about it. So these lines have been taken
from the poem Looking for a Cousin on a Swing, and it was written by A.K. Ramanujan. ये जो lines है ये Looking for a Cousin on a Swing से लिया गया है, और इसको लिखा कौन था? A.K. Ramanujan ने इसको लिखा था, ठीक है? And इस lines का ये मतलब है, इस poem में basically दो character, एक लड़का है और एक लड़की है. जो लड़की है वो 4-5 साल की है, और जो लड़का है he is slightly older to that girl. And पहले वो पास्ट के बारे में बताती है, अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करती है कि वो जो लड़की थी वो उस लड़के के साथ, अपने कजन के साथ खेलती थी, पेड़ों पे चढ़ती थी, ठीक है, विलेज स्विंग को एंजॉय करती थी. तो उस एक्सपीरियंस को इस लाइन में बताया गया है कि एंड आफ्टरवर्ड्स वी क्लाइम्ड ऑन अ ट्री, भी मतलब वो दोनों पेड़ में चढ़ रहे थे. She said, not very tall, वो जो पेड़ था वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, but full of leaves, लेकिन leaves से भरा हुआ था, like those of a fig tree, and we were very innocent about it. Okay. Now let us move on to the next question. You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved. So these lines have been taken from the poem My Grandmother's House, and it was written by Kamala Das. यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है? तो इस poem में basically जो poet है वो कह रही है कि she was very much loved and she received a lot of love from her grandmother's house. ठीक है, her grandmother used to love her quite a lot. ठीक है, इस lines में ये बताया गया है. Next one is, some are meet for a maiden's rest, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. So ये जो lines है ये Bangle Sellers poem से लिया गया है, and Bangle Seller को किसने लिखा था? सरोजनी नायडू ने लिखा था. अब इस poem में basically एक Bangle Seller के बारे में बात की होती है, and उस Bangle Seller के पास तरह तरह की चूड़ियाँ हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं, मतलब हर किसी के लिए एक एक उसके पास चूड़ियाँ हैं. तो वही बोल रहा है कि सम आर मीट फॉर मेडन्स रेस्ट, मतलब कुछ कुंवारी लड़कियों के लिए है, ठीक है, चूड़ियाँ. सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, माउंटेन मिस्ट का जैसे कलर होता है सिल्वर एंड ब्लू, वैसी चूड़ियाँ भी है. सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, तो बर्ड इज बेसिकली जो कच्ची ग्रीन कलर का होता है, तो उसके पास उस रंग की भी चूड़ियाँ हैं. ऑन द ट्रैंक्विल ब्राउ ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम, so he has got a range of bangles and he has got different colors for different women, for different girls. Okay, next one is, another phase was reached when we were twice attacked and lost our way. A section claimed its liberty to leave the group. I tried to pray. So ye jo lines hai ye Enterprise poem से लिया गया है, and Enterprise को लिखा था Nizam Ezekiel. So in my previous video I have talked about कि Enterprise का मतलब क्या होता है, एक adventure, ठीक है, एक difficult task to take up. तो ये जो poem है Enterprise, it has been seen as an allegory, एक allegory के रूप में भी देखा गया है, like for journey in life or emergence from the colonial rule, ठीक है. And इस poem में क्या होता है कि a group of pilgrims है and they are heading towards their own destination, लेकिन finally जब वो पहुंच जाते हैं they cannot figure out कि वो कहाँ पे आ गए, they cannot recognize the place at all. So this is the poem all about. So ये था section A, इसमें से कोई चार आपको attempt करने हैं. So if you know the summary of each and every poem, जो कि मैंने अपने video में बता दिया है, सब कुछ notes भी दे दिया है, so it is well and good. लेकिन exam से पहले एक दो बार हर एक पोएम को पढ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जो लाइंस है, ये लाइंस कौन से पोएम से लिए गए हैं वो आप पहचान सको. बिकॉज आपको इतना अगर पता चल जाए कि हाँ इस पोएम से लिया गया है, तो एटलीस्ट आप उसके समरी को भी आप दे दोगे, देन यू विल गेट सम मार्क्स. लेकिन पता ही नहीं कौन से पोएम से लिया गया है, देन यू विल हैव नो चांस, राइट? सो बिफोर अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन मेक श्योर यू रीड ईच एंड एवरी पोएम एटलीस्ट ट्वाइस. ओके, now let's move on to our next section, that is section B. And इस section में आपको short notes लिखने हैं, right? Short notes on any two of the following. तो किसी दो के ऊपर आपको क्या लिखना है? Short notes लिखना है in 250 words. Always remember कि stick to the word limit. और exam में क्या होता है, supplementary paper आपको नहीं मिलता, एक booklet मिल जाता है, उसी में आपको सभी answer लिखने होते हैं. तो
ऑलवेज प्लान कि आपको सेक्शन ए में कितना लिखना है, सेक्शन बी में कितना लिखना है, हर एक क्वेश्चन में कितना पेपर्स डिवोट करना है। ऐसे नहीं कि लिखे जा रहे हैं ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलेगा, इट इज नॉट रियली लाइक दैट। इफ यू वॉन्ट माई सजेशन देन आई विल सजेस्ट कि हमेशा सेक्शन सी से शुरू करो, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। एंड एक पेपर यू नो डिसाइड कर लो कि मुझे हर एक सेक्शन सी के हर एक क्वेश्चन में इतना पेपर्स डिवोट करना है, सेक्शन बी के क्वेश्चन में इतना पेपर्स डिवोट करना है, और लास्ट में सेक्शन ए को आप अटेम्प्ट करना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें से है ह्यूमर इन अ टाइगर फॉर मालगुड़ी, यानी कि टाइगर फॉर मालगुड़ी में जो ह्यूमर का यूज किया गया है आपको उसके बारे में लिखना है। तो फर्स्ट यू विल राइट अबाउट द यू नो नॉवलिस्ट आर के नारायण, देन टाइगर फॉर मालगुड़ी के बारे में थोड़ा सा लिखना, एंड अ टाइगर फॉर मालगुड़ी में जो ह्यूमर का यूज किया गया उसके बारे में लिखना। नाउ जब हम लोग अ टाइगर फॉर मालगुड़ी को यू नो एनालाइज कर रहे थे, आर के नारायण के स्टाइल को हम लोग जब देख रहे थे, प्रोज स्टाइल को, सो वी लुक दैट कि आर के नारायण के वर्क में वी कैन सी इंडियननेस, वी कैन सी सटायर, ह्यूमर, आयरनी, ये सब हमें देखने को मिलता है। नाउ ह्यूमर क्या होता है? ह्यूमर इज लाइक कुछ भी ऐसा चीज जिससे लाफ्टर जनरेट हो, ठीक है, कोई भी ऐसा कोई बात बोल रहा है जिससे आपको हंसी आ रहा है, इफ देयर इज सम पिक्चर जिसको देख के आपको हंसी आ रहा है, सो दैट इज ह्यूमर। ह्यूमर इज बेसिकली हास्य, ठीक है। तो टाइगर फॉर मालगुड़ी में जब हम लोग वो जो कैप्टन है और उसकी जो वाइफ है रीटा, इन दोनों के बीच के जब कॉन्वर्सेशन को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, देन हम लोग को हंसी आता है, ठीक है। तो उस सेक्शन में ह्यूमर का यूज किया गया है, एंड आपको उसको क्या करना है, बताना है, लिखना है। एंड जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, देन मेक श्योर कि कुछ डायलॉग्स भी आप लिखो, एक दो डायलॉग्स भी लिखो, इट विल मेक योर आंसर लुक गुड, ठीक है। डायलॉग्स या कोटेशंस याद कर लेना पहले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुताई एंड उर्मीज रिलेशनशिप इन अ वाइंडिंग वाइन। तो वाइंडिंग वाइन जो नॉवल है उसमें जो कैरेक्टर्स है शकुताई एंड उर्मी, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप को आपको बताना है। सो जो नॉवल है द वाइंडिंग वाइन, इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, ठीक है। हमें रिलेशनशिप्स और बॉन्डिंग्स देखने को मिलती है। सो वुमेन टू वुमेन बॉन्डिंग है, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग देखने को मिलता है, हस्बैंड वाइफ बॉन्डिंग है, ठीक है, मदर डॉटर का बॉन्डिंग हमें देखने को मिलता है। जो शकुताई और उर्मी जो है, वी कैन सी अ वुमेन वुमेन बॉन्डिंग, बिकॉज जो उर्मी है वो शकुताई को नहीं जानती है, ना ही शकुताई उर्मी को जानती है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के लिए अनजान है, लेकिन उर्मी शकुताई की मदद यू नो करना चाहती है, एंड शकुताई भी एक टाइम के बाद पूरा कंफर्टेबल हो जाती है, वो सब कुछ उर्मी को बताती है। एंड बिकॉज ऑफ शकुताई's नरेटिव, शकुताई के नरेटिव के वजह से ही हमें कल्पना के बारे में भी पता चलता है। सो ऑल्दो दे डू नॉट शेयर एनी रिलेशनशिप, येट उर्मी बिकम्स रेडी टू हेल्प शकुताई, एंड शकुताई ऑल्सो बिकम्स कंफर्टेबल टू टेक उर्मीज हेल्प, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमें एक ह्यूमन रिलेशनशिप देखने को मिलता है, एंड टू बी स्पेसिफिक एक वुमेन वुमेन बॉन्डिंग भी देखने को मिलता है। तो इसी तरह से आपको लिखना है, एलाबोरेट करके आपको थोड़ा सा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीपर मीनिंग ऑफ अ लॉस्ट चाइल्ड। अ लॉस्ट चाइल्ड जो शॉर्ट स्टोरी है बाय मुल्क राज आनंद, इसका जो डीपर मीनिंग है वो आपको लिखना है। सो जब हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी को देख रहे थे, तो आई टोल्ड यू कि जो लॉस्ट चाइल्ड है, जब द लॉस्ट चाइल्ड है, इसको हम लोग एक एलिगरी के रूप में भी देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज एन एलिगरी? सो एलिगरी इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें जो स्टोरी होती है इट रन्स इन टू लेवल्स, ठीक है, दो लेवल्स पे होती है। तो द लॉस्ट चाइल्ड भी एक एलिगरी है। सरफेस लेवल पे इट इज अ स्टोरी अबाउट अ चाइल्ड हु गोज टू अ फेयर एंड ही इज फैसिनेटेड बाय डिफरेंट थिंग्स एंड ही वांट्स टू हैव ऑल दोस थिंग्स। लेकिन अगर डीपर लेवल पे अगर हम लोग इसके मीनिंग को देखें, अगर मेटाफिजिकल लेवल पे इस मीनिंग को देखें, देन यू विल रियलाइज कि जो चाइल्ड है इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करती है। जो फेयर है यानी कि जो मेला है वो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। मेले में जो अलग अलग चीज़ें जो बिक रही हैं, जो ऑफन कोई भी बच्चा प्रभावित हो जाता है, फैसिनेटेड हो जाता है उन सब चीज़ों से, तो वो सब टेम्पटेशंस और प्लेजर्स को रिप्रेजेंट करती है। एंड जो पेरेंट्स है ये कौन है? भगवान है। तो हम लोग अपने जीवन में भी अलग अलग टेम्पटेशंस, अलग अलग प्लेजर्स से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं। हम लोग को प्लेजर चाहिए, ठीक है, हम लोग टेम्प्ट करने लगते हैं, एंड इसी प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग मतलब भगवान से दूर हो जाते हैं, जैसे वो बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर हो गया। सो दिस इज द डीपर मीनिंग ऑफ दैट शॉर्ट स्टोरी अ लॉस्ट चाइल्ड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम ब्लड। जो पोएम है ब्लड पोएम, उसको आपको इंटरप्रेट करना है और यू कैन से क्रिटिकली अप्रिशिएट भी करना है। तो फर्स्ट यू विल राइट कि इसको किसने लिखा था, तो कमला दास ने। कमला दास का थोड़ा बायोग्राफिकल डिटेल्स को देना एंड देन राइट द समरी ऑफ द पोएम, ठीक है। उसके बाद फिर अपना कॉमेंट्स डालो कि वट डू यू थिंक अबाउट दिस पोएम। सो दिस इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट द पोएम ब्लड or any poem for that matter, or this is how you can also critically analyze, okay? So if you want the notes of every, you know, poem or every short story, then join my Telegram channel, you will get all the notes, okay? Now, यहाँ पे section B खत्म होता है, तो section B में दो कोई भी short notes लिखना था, 250 words में each, अब हम लोग section C को देखेंगे। अब section C में भी कुछ कुछ questions है, और अटेम्प्ट एनी थ्री, हमें कोई भी थ्री अटेम्प्ट करना है, कितने वर्ड्स में, 600 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस अ टाइगर फॉर मालगुड़ी एज एन एलिगरी। तो आपको बताना है कि अ टाइगर फॉर मालगुड़ी एक एलिगरी है, इसके ऊपर एक डिस्कशन करना है और कॉमेंट करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो जब हम लोग अ टाइगर फॉर मालगुड़ी पढ़ रहे थे, व्हेन वी वर एनालाइजिंग दिस नॉवल, सो वी लुक दैट कि अ टाइगर फॉर मालगुड़ी क्या है, एक एलिगरी है। सो अगेन एलिगरी एक फिगर ऑफ स्पीच है एंड इसमें जो स्टोरी होती है वो दो लेवल्स पे चलती है। सरफेस लेवल पे कुछ और स्टोरी होती है, बट डीपर लेवल पे देयर इज सम अदर स्टोरी। तो अ टाइगर फॉर मालगुड़ी में भी हम लोग देखते हैं जो सरफेस लेवल पे जो स्टोरी चलती है वो है ये राजा की स्टोरी है, ठीक है। और वो मेम्फी हिल्स में रहता है, फिर उसको पकड़ लिया जाता है, ही कम्स टू द जू, देन वो स्वामी जी से मिलता है, देन अगेन वो जू में चला जाता है, ठीक है। तो ये चलती है सरफेस लेवल पे इसकी स्टोरी। लेकिन अगर डीपर लेवल पे हम लोग जाते हैं, डीपर मीनिंग को अगर हम लोग देखते हैं, देन वी विल रियलाइज कि इट इज नॉट अ स्टोरी अबाउट राजा ओनली, बट राजा का कैसे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो एक अलग स्टोरी है। सो दिस इज द डीपर मीनिंग ऑफ द नॉवल अ टाइगर फॉर मालगुड़ी, एंड यही एक एलिगोरी भी है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द बाइंडिंग बाइंड एज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। तो आपको एनालाइज करना है कि कैसे बाइंडिंग बाइंड एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है। नाउ व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली एक टेक्निक है, एक लिटरेरी टेक्निक है जो राइटर्स अपने वर्क में यूज करते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि जो स्टोरी होती है वो स्टोरी कैरेक्टर के माइंड में चलती है, ठीक है, और फ्री फ्लो में वो स्टोरी चलती है, ठीक है। कभी भी वो नैरेटिव पास्ट में जाता है तो कभी प्रेजेंट में जाता है, ठीक है, कभी फिर से पास्ट में चल जाता है तो कभी फ्यूचर के बारे में बात यू नो करता है। तो देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ द नैरेटिव, वो होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक लिटरेरी टेक्निक है और शशि देशपांडे जी ने अपने नॉवल द बाइंडिंग बाइंड में इस टेक्निक को यूज किया है। तो इस नॉवल में भी जो कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो कौन है? उर्मी, ठीक है। तो उर्मी की स्टोरी, दिस इज द मेन प्लॉट। एंड देन उर्मी शुरुआत में हमें पता चलता है कि उर्मी बहुत ज्यादा दुखी है बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर 1-year-old डॉटर अनुषा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, एक सब प्लॉट शुरू होता है किसका? मीरा का, ठीक है। अब क्या होता है, फिर से एक सब प्लॉट शुरू होता है कल्पना का। सो वी कैन सी कि जो नैरेटिव है कभी पास्ट में जा रहा है, कभी प्रेजेंट में जा रहा है, बिकॉज मीरा इस नॉवल में जिंदा नहीं रहती है। तो जैसे ही उर्मी को मीरा के राइटिंग्स के बारे में पता चलती है, सो शी स्टार्ट्स टू विजुअलाइज अबाउट द पास्ट, तो नैरेटिव फिर पास्ट में चला जाता है। फिर जब कल्पना के बारे में बात होती है तो फिर प्रेजेंट में आ जाता है। सो दिस इज वी कॉल अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये जो नॉवल है द वाइंडिंग वाइंड, ये इंडीड एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। पहले डिफाइन कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, देन फिर आपको जस्टिफाई करना है कि कैसे द वाइंडिंग वाइंड एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल है। फिर है कि अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ विमला फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी। तो जो शॉर्ट स्टोरी है द अदर वुमन, इसमें आपको विमला के कैरेक्टर स्केच देना है, विमला का कैरेक्टर स्केच को आपको देना है फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी द अदर वुमन। सो द अदर वुमन को किसने लिखा था? दीना मेहता ने लिखा था। एंड इस शॉर्ट स्टोरी में देर आर थ्री कैरेक्टर्स, मगनलाल एंड उनकी वाइफ है विमला, एंड विमला का भाई है
सुनील। तो बिमला का कैसे कैरेक्टर रहता है, जैसे कि वो इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ी हुई है, उनके अपने ओपिनियंस है अबाउट मगल डॉट्स वर्क, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा आप स्टोरी के समरी को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो बेसिकली बिमला के कैरेक्टर स्केच को आपको लिखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एनालाइज द पोएम अ रिवर बाय ए के रामानुजन। तो ए के रामानुजन के द्वारा लिखे गए एक पोएम अ रिवर को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट डिटेल्ड नोट ऑन नारायण प्रोज स्टाइल एज सीन इन अ टाइगर फॉर मालगुड़ी। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, नारायण के प्रोज स्टाइल के बारे में डिटेल्ड नोट लिखना है विथ रेफरेंस टू अ टाइगर फॉर मालगुड़ी। सो जब हम लोग इस यूनिट को यू नो एनालाइज कर रहे थे, देन वी लुक डैट कि नारायण के प्रोज स्टाइल में, विच मीन्स कि नारायण के वर्क्स में वी कैन सी हिज इंडियननेस, देन सटायर, आयरनी, ह्यूमर्स, ये सब देखने को मिलती है। सो दीज आर ऑल द प्रोज स्टाइल ऑफ आर के नारायण। तो वही सब चीजें आपको क्या करनी है, इस आंसर में लिखना है, ठीक है। फिर है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द प्लॉट एंड टेक्निक ऑफ द नॉवल द वाइंडिंग वाइन। तो द वाइंडिंग वाइन जो नॉवल है, इसके प्लॉट के ऊपर आपको एक डिटेल नोट लिखना है और इसमें क्या क्या टेक्निक्स का यूज किया गया है उसके बारे में आपको लिखना है। जो प्लॉट है वो थोड़ा क्या है, इंट्रिकेट है, बिकॉज इस नॉवल में प्लॉट भी है, सब प्लॉट भी है। सो देयर आर टू सब प्लॉट्स। द मेन प्लॉट डील्स विद उर्मीज स्टोरी, उर्मीज ग्रीफ, एंड द अदर टू सब प्लॉट्स आर कल्पना स्टोरी एंड मीराज स्टोरी, ठीक है। सो ये जो प्लॉट है द वाइंडिंग वाइन का इज अ बिट इंट्रिकेट, बिट कॉम्प्लेक्स, और इसमें कौन कौन सा टेक्निक यूज किया गया है। सो हम लोग पढ़े थे द वाइंडिंग वाइन, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें शोइंग टेक्निक का यूज हुआ है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी यूज हुआ है। शोइंग में क्या होता है कि बेसिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे परफॉर्म देयर ओन टास्क, दे सिंपली टॉक एंड परफॉर्म देयर ओन एक्शंस, एंड जो रीडर्स होते हैं, दे आर फ्री टू मेक अजम्पशंस और फॉर्म देयर ओन ओपिनियंस, वो होता है शोइंग। एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक लिटरेरी टेक्निक है जिसमें जो स्टोरी होती है वो राइटर के जो कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर होता है उसके माइंड में चलती है, एक फ्री फ्लो में स्टोरी चलती है, नैरेटिव कभी पास्ट में भी जाता है और प्रेजेंट में भी जाता है, ठीक है। तो एक लीनियर स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल पे। तो इस सभी चीजों के बारे में आपको एक डिटेल्ड नोट देना है। सो दिस वाज इट, दिस वाज द क्वेश्चन पेपर ऑफ बीजीसी 103 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। सो आई होप यू गॉट अ फेयर आइडिया कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं एंड कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। अगेन आई वुड से कि पहले डिवोट कर लो कितना पेजेस लिखना है हर एक क्वेश्चन में, एंड ऑलवेज स्टार्ट विद सेक्शन सी, बिकॉज सेक्शन सी का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तीन क्वेश्चंस लिखने और 600-600 वर्ड्स में लिखने, सेक्शन सी के बाद सेक्शन बी अटेम्प्ट करना, दो क्वेश्चन लिखने हैं, उसके बाद सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना लास्ट में, बिकॉज 150 वर्ड्स में लिखना है। तो एक एक पेज करके भी लिखोगे देन हो जाएगा, ठीक है। शुरू में ही सेक्शन ए और सेक्शन बी को अटेम्प्ट करोगे देन सेक्शन सी को लिखने के लिए यू विल फील एग्जॉस्टेड, एकदम मन नहीं करेगा, ठीक है। तो सेक्शन सी को पहले लिखना। सो दिस वॉज इट एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। सो इफ दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू देन प्लीज गिव इट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। Till then, bye-bye, happy learning and all the best for your examination.